बहुत दिनों से मैंने कोई करंट एनर्जी अपडेट नहीं दिया है, तो मैंने सोचा जो मेरे दिल में है, जो मैंने फील किया है, वो सारी चीज़ मैं जो भी एक विज़न मुझे मिला वो मैं आपके साथ शेयर करूं। मैं अभी ज़िंदगी का जिस पड़ाव पे हूँ, अब मैं हम पीछे मुड़कर नहीं देख सकते, या पीछे मुड़कर हम देखते हैं तो ये चीज़ समझ में आता है, जो भी हार्ट ब्रेकिंग, जो भी दुख दर्द हमें मिला आज की मैं के लिए, वो सब कितना ज़रूरी था, क्योंकि आज की मुझे बनाने के लिए वो सारी चीज़ बहुत ज़रूरत था। और ये मेरी खुद का सोल का डिसीशन था, ये सारे चीज़ एक्सपीरियंस करने का। अभी भी स्पिरिचुअलिटी में आकर भी बहुत लोग मुझे बोलते हैं मेरे ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, पर हम बहुत कुछ बोलते हैं। मुझे लगता है कि असल में वो बात हम हमारी अंतर्मन से या दिल से वो चीज़ को नहीं सोच पाते या नहीं समझ पाते कि सच में हम अपने खुद का गॉड हैं। तो हम खुद डिसीजन लेते हैं अपने सोल लेवल पे कि क्या हमारे साथ होगा, और हर एक चीज़, हर एक इंसिडेंट हमारे सोल की ग्रोथ के लिए हैं। हो सकता है कि मेटेरियल जगत में वो चीज़ हमें अच्छा नहीं लगे, पर वो हमारी डिसीजन है। अभी करंट एनर्जी में ये है कि डेढ़ महीने से ऐसा एनर्जी चल रहा था, बहुत लोगों का कोल्ड कॉफ और बहुत सारी डिजीज़ हुआ है, क्योंकि अभी आर्ट के साथ जो चीज़, ह्यूमंस के साथ जो चीज़ हुआ हो रहा है पूरे इस यूनिवर्स में, पूरा यूनिवर्स हमारी तरफ आँख करके देख रहा है कि हम इस चीज़ को कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे हम इस चीज़ को सहते हैं, या कैसे इस चीज़ के अंदर डेवलप करते हैं। क्योंकि नया ह्यूमन कोड हमारे अंदर डाला जा रहा है, तो उसमें हम कैसे हमारे बॉडी, माइंड, सोल की कॉम्प्लेक्स कैसे रिएक्ट करते हैं, हम अनेक से एक बनने जा रहे हैं, या द्वैत्व से ड्वालिटी से नॉन ड्वालिटी के तरफ जा रहे हैं। तो इस दौरान डीएनए एक्टिवेशन, बहुत सारी डीप क्लेंजिंग, बहुत सारी एक्टिवेशन भी हो रहा है। हम बहुत चीज़ों की बात करते हैं, हमारी अंदर बहुत चैनल की अंदर आती भी हैं, विज़न देखते हैं, पर हमें भी नहीं पता असल में हो क्या रहा है या होने क्या वाला है। हम सारे चीज़ एक्सपीरियंस ही कर सकते हैं, बोलकर नहीं समझ सकते या समझा भी नहीं सकते, बस एक्सपीरियंस करके ही समझ सकते हैं कि असल में क्या हो रहा है। तो नया ह्यूमन कोड बहुत मतलब ह्यूमन के अंदर डाला गया है, असल में सारे ह्यूमन के अंदर डाला गया है, जो रिसीव कर पा रहे हैं उनके अंदर जेनरेट हो रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि 14 तारीख से एक अलग सी एनर्जी थी, उसके पहले भी बहुत ज़्यादा सोलर फ्लैश आई और सुमन रेजोनेंस भी बहुत बढ़ी, और पर शिवरात्रि की पहले, मतलब 14 तारीख से थोड़ी एनर्जी अलग टाइप का था, वो मुझे ऐसा दोपहर को फील हुआ कि नीचे से कुछ एनर्जी ऊपर की तरफ उठ रहा है, मेरी पूरा पैर से नाभि की तरफ, ऐसा उस टाइम क्लियरली फील हो रहा था कि अर्थ की कोर पे कुछ चल रहा है। आप सभी को पता है कि अभी अर्थ की कोर उल्टा घूम रहा है, जो घूमता था वो उल्टा हलचल कुछ हो रहा है। तो बहुत सारे लोग मुझे मैसेज भी किया है, क्या अलग सी एनर्जी है, क्या हमें प्रेशर फील हो रहा है, हमें बॉडी में मूवमेंट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ एकदम नॉर्मल है, मुझे भी फील हो रहा है,
मतलब हो रहा था, बीच में मैं बहुत बिजी था, अभी तो मेरे लिए ये सारे चीज़ एकदम एकदम से नॉर्मल हो गया, क्योंकि ये होता ही रहता है और ये नया नहीं है। पर अभी जो नया चीज़ ये है कि आप बस अपने पीछे मुड़कर देखें कि आपकी ओल्ड सेल्फ, आपकी कौन सी नया वर्जन का क्रिएट किया है, जो भी क्रिएट किया है, जो भी आपकी क्रिएशन आपके अंदर से, आप अपने अंदर से आपने खुद को क्रिएट किया है, वो सारा इस क्रिएशन के लिए वो सारा दर्द जरूरी था और वो सारा चीज़ आपने डिसाइड किया था। तो पुराना चीज़ को बधाई दे कि वो आपकी नया चीज़ को बनाने में आपको मदद किया, या वही आपका नया वर्जन को बनाया। खुद को एक्सेप्ट करें, खुद के स्पिरिचुअल जर्नी को एक्सेप्ट करें। हो सकता है आपको बहुत सारी चीज़ इस टाइम फील हो, अलग अलग दिमाग में अलग अलग चीज़ इंट्यूशन आए, ये सारी चीज़, क्योंकि सबकी अपनी अपनी मैसेज है। तो आपको उस मैसेज में कौन से आपके लिए ज़रूरी हैं, क्या आप अपने बेटर वर्जन के लिए कर सकते हैं, ये सारा चीज़ आप जर्नल बना सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर ड्रीम आए, ड्रीम को लिख सकते हैं, या कोई भी ऐसी दिमाग में कोई बात आए, उस बात को लगे कि इस बात में दम है, तो उस बात को आप लिख सकते हैं। ये जब आप बाद में पढ़ोगे तो बहुत मदद मिलता है इससे। और डिजीज़ बहुत लोगों को हुआ इस दौरान, मुझे ऐसा देखा, मैसेज आया बहुत सारी, तो कोल्ड हुआ, बहुत सारा चीज़ हुआ। ये सारा डीप क्लिनजिंग था, जिसका थायराइड है उनको बढ़ गया, बहुत सारा लोगों को ये डेढ़ महीना से चल रहा है। तो इसमें ना घबराए, ये आपकी डीप क्लिनजिंग है और इस क्लिनजिंग के दौरान ही ये सारा चीज़ हो रहा था। तो वही था छोटा सा मेरी मैसेज। और अपने अंदर की डिवाइन को रेस्पेक्ट करें, दूसरी के अंदर की डिवाइन को भी रेस्पेक्ट करें। एक अनाउंसमेंट है, एक कॉम्बो आ रहा है हीलिंग का, वो है कर्मा जीटा सील, जो जीहेबिया ननुना की सील, आप पढ़ भी सकते हैं मेरे चैनल पे, मैंने सारा चीज़ वहाँ पे शेयर किया है कि ये क्या है, किस लिए इसका क्लिनजिंग करना ज़रूरी है, उसके साथ डीएनए एक्टिवेशन। अगर आप चाहे तो ये सेशन ले सकते हैं, इसमें अगर आप लेते हैं तो भी अच्छा है, अगर आप नहीं लेते हैं तो भी आपके लिए वो आपकी सोल की डिसीशन है, तो आपने मर्जी से ही करना। और अगर चाहे तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पर या हरिप्रिया क्रिस्टल की नंबर पर, आप क्रिस्टल परचेस करने के लिए भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। कार्ड रीडिंग के लिए फिर से मैं रीडिंग ले रही हूँ, तो अगर रीडिंग के लिए भी आप बुकिंग करना चाहे तो कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, थैंक यू।